बता दूं दोस्तों, तो देखिए यह क्या है, मछलियों का जो पकड़ने का जो झुंड है, कभी आप लोगों ने देखा है किस तरह से समुद्र से मछली पकड़ा जाता है, वो मछली पकड़ने का जो तरीका है वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसा ये है कि ये कुछ लोग अभी जाल से मछली पकड़ रहे हैं, तो अब क्या है ना दोस्तों कि ये काफ़ी दूर तक ये जाल गया हुआ और बहुत सारे बंदे हैं जो जाल को टांग रहा था। आपको बहुत डिफरेंट टाइप का मछली आपको देखने को नजर आएगा, आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा लाइफ में, ऐसे ऐसे मछली है समुद्र में जो अभी आप अपने आंखों से देख सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ये है। चलिए एक बंदा है, मेरा दोस्त है, जो शायद आप शॉर्ट फिल्म में देखे होंगे इस बंदे का चेहरा, तो ये भी हम लोग साथ ही हम लोग इंजॉय करने के लिए आए हुए थे दीघा में, तो देख लीजिए अब इसे तो आप पहचानते ही हैं, विलेन के नाम से है दोस्त। तो अब आगे देखिए मछली का ये আসো এদিকে এগিয়ে, জালটা তো এসে গেছে কিসের জন্য? দুসরা পার্ট, मतलब पहला बार मैं आपको दिखा रहे थे जाल फेंकने का जो तरीका है, आप देखिए मछली का जाल पूरा बिल्कुल आ गया, आप ऐसा सा मछली देख पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तेज कर दीजिए, জানাই তো তুলে দাঁড়ানি মাছ এইগুলো দেখ, কি বলবি তুই এবারে, কি বলবো কিছু জালটা তোলার মানে বাড়ি উঠে উঠে লে যা খাটনি কি বিপাল যাবে ছোট মাছ দোস্ত দেখি তো ইয়ে দীঘা কা লাইভ লাইভ মাছ আপ লোক দেখ রে হোমে। काफी दिनों से मेहनत कर रहा था, करीब दो घंटे के कड़ी मेहनत के बावजूद इसको इतने सारे मछली मिला, आप देख सक रहे हैं मछली अपने आंखों से देख लीजिए, ये समुद्र का मछली यहाँ पे करीब, यहाँ पे आप खरीद भी सकते हैं ये मछली को, यही सब मार्केट, यही सब मछली आपको मार्केट में सप्लाई होता है, सप्लाई होने के बाद बिक्री किया जाता है। ये देखिए अपने आंखों से देख लीजिए, ये देखिए इस तरह का मछली देखिए दीघा में बिक्री होता है।